आज हम लेक्चर नंबर 11 में जा रहे हैं, सहसंयोज्य बंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन समझेंगे। आज की क्लास में होगा कि हमने प्रकाशीय समावर्ता पढ़ा था। प्रकाशीय समावर्ताओं में कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनको भी जानना और जरूरी है। एक है, हम बताएंगे आपको वाल्डन प्रतिलोमन। ज्यामिति समावयवियों की पहचान हम जानते हैं सिस एंड ट्रांस के रूप में, लेकिन हम यहां पर और भी देखेंगे ईजेड रूप या सिन एंटी रूप क्या होते हैं। ससंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का परिचय, यानी कि हम उनके बारे में जानेंगे क्या होता है। प्रेरणिक प्रभाव पढ़ेंगे और लास्ट में देखेंगे क्विज। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं ना। सबसे पहली बात है वाल्डन प्रतिलोमन। वाल्डन प्रतिलोमन है क्या चीज? यहां पर एक बात पर ध्यान देना कि आप जानते हो जो किरेल कंपाउंड होता है वो प्रकाशीय किरण को या ध्रुवीय प्रकाश किरण को, ध्रुवीय प्रकाश किरण को किसी एक दिशा में रोटेट कर देती है। किरेल कार्बन जो है ध्रुवीय प्रकाश किरण को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अब मेरे पास एक कंपाउंड है जो प्रकाश किरण को क्लॉकवाइज रोटेट करती है, तो दूसरा, तो उसको मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला कंपाउंड में कैसे परिवर्तित करूं? ये वाल्डन प्रतिलोमन से पता चलता है। तो वाल्डन प्रतिलोमन क्या है, आप यहां पर समझें कि एक प्रकाशिक समावयवी को दूसरे प्रकाशिक समावयवी में परिवर्तित करना, प्रतिलोमन करना, मतलब एक से दूसरे में परिवर्तित करना। यहां पर कुछ एक पदार्थों के बारे में जानिए, प्रतिलोमक शब्द को उपयोग करेंगे। वैसे वाल्डन इन्वर्शन कहलाता है, ये इस शब्द का पूरा एक नाम है वाल्डन इन्वर्शन। हम ये समझें कि कौन सा पदार्थ है जो इन्वर्शन करता है, एक रूप से दूसरे में परिवर्तित करता है, प्रतिलोमक। प्रतिलोमक के रूप में होता है PCl5 और KOH, इस बात को याद रखना। मैं एग्जांपल बताता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी बातें। अब इस बात को जानते होंगे कि कार्बनिक पदार्थ जैसे PCl5 होता है, PCl5 की रिएक्शन किसी कार्बनिक पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन होता है से कराने पर क्या होता है? ये PCl5 उनके साथ रिएक्शन करेगा। मैं रिएक्शन को प्लस में लिख दूं, तो PCl5 से रिएक्शन करेगा तो क्या करता है कि इनसे ऑक्सीजन मांगेगा और अपना 2Cl दान कर देगा, तो 1Cl आ जाएगा R के साथ, RCl, और दूसरा जो है वो 2Cl दान किया ना, एक इसके साथ आ गया, एक इसके साथ आ गया, HCl बन गया। O चला गया इसके पास तो बन गया POCl3। ये घटना होती है, इसके बारे में जानिए। तो जहां पर भी OH रहेगा PCl5 के उनके रिएक्शन करा सकते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें OH लगा हुआ है किसी एक दिशा में, ये प्रतिलोमक है, मतलब वो OH जो है त्रिविमीय रूप से दूसरे दिशा में लगेगा। चलो देखते हैं, OH का दिशा में आना चाहिए जबकि वो Cl जो लगेगा, Cl लग रहा है ना इसमें, Cl दूसरी दिशा में लग जाएगा। तो देखिए कैसे हुआ, एक एग्जांपल देखते हैं। CH2COOH COH H यहां पर है C, चलिए मान लेता हूं मैं यहां पर है CHO, एक कंपाउंड है CH, ये कंपाउंड है। इसके रिएक्शन यदि मैं PCl5 से करा रहा हूं तो क्या होगा? चलो CH3 ले लेता हूं, थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका PCl5 इनके साथ रिएक्शन करेगा कहां पे? इस जगह पे ना, तो क्या होगा इसके अनुसार, क्या होगा? CH2COOH, CH2COOH, C
और यहां पर है CH3। अब हम ये समझ रहे हैं कि भैया O निकल गया, इसने ले लिया तो निकल गया POCl3, H निकल गया बन गया ये HCl, ठीक है। इसने दो Cl दान किया था, एक ने HCl बनाया और एक इसमें आके जुड़ जाएगा, O तो इसने ले लिया, Cl यहां पे जुड़ेगा। तो Cl हम कहां पे जोड़ रहे हैं, कहां पे जुड़ेगा, Cl यहां पे जुड़ गया और H यहां पे जुड़ गया। आ गई बात समझ में? अब समझे, हमने RS पढ़ा था, ध्यान देंगे तो इसके अनुसार ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन बड़ा होता है, पहला नंबर रखेगा। इन दोनों में ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है, चौथा नंबर रखेगा। इन दोनों में पहले कौन आएगा, देखो इसके तुलना में ये बड़ा समूह है तो ये अगला नंबर रखेगा, तो एक हो गया, दो तीन, दो तीन, चार को नीचे कर दूं, चार को नीचे कर दूं, तीन को इधर कर दूं, ऐसा कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इन्वर्शन कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, तो ये एक इधर चला गया, दो इधर चला गया, चल गया। चार को छोड़ दें, भूल जाएं, एक दो तीन करूंगा, तो ये देखो कैसा है, ये कौन सा समूह है, ये कौन सा मतलब रोटेशन है, राइट, यानी कि ये कंपाउंड है आर फॉर्म, आर रूप में है, आर प्रकाशी समावायवी है। ये क्या है, नंबर वन मैं यहीं पर दिखा देता हूं, नंबर वन टू थ्री फोर, आप जानते हो कि ये हो गया फोर, ये हो गया थ्री टू वन। अब इस बेस पर क्या हुआ, इसको भूल जाओ, तो एक दो तीन, ये भी आर प्रकाशी समावयवी है, आर एस के आधार पर ज्यादा आसानी से बता सकते हो कि प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये आर एस हुआ, तो दोनों ही आर आर है, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं होता है, यहां पर जब PCl5 से रिएक्शन कराई जाती है तो PCl5 अटैक तो यहां पे करेगा, PCl5 अटैक यहां करेगा, Cl भी यहीं जुड़ना चाहिए, लेकिन Cl यहां ना जुड़ करके ये Cl जुड़ जाता है इसके अपोजिट साइड, H को इधर शिफ्ट कर देगा और Cl यहां जुड़ जाएगा। अब बोलो सर Cl यहां कैसे जुड़ सकता है, बिल्कुल नहीं जुड़ सकता है, लेकिन यहां पर ऐसा होता है, वाल्डन ने पता लगाया था इस बात का, इसलिए यहां पर इस बात को याद रखना पड़ेगा, जिस साइड में OH है उस साइड में Cl नहीं जुड़ता है, उसके अपोजिट साइड में जुड़ता है Cl। अब क्या कंपाउंड बन गया जरा देखें, ये कौन सा रूप बन गया है, अब देखो ध्यान से कौन सा रूप बन गया है, चार एक है और ये दो है और ये तीन है। अब मैं चार को इधर ले आऊं, तीन इधर चला जाएगा, फिर यहां पर एक और यहां पर दो आ जाएगा, क्योंकि हम RS पता लगा रहे हैं, एक इधर चला गया, यहां पर दो आ गया, चलो ऐसा हो गया। अब बताओ क्या हुआ, एक दो तीन, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये R नहीं है, बन चुका है S फॉर्म बन गया है, S प्रकाशी समावयवी बन गया है। कल की क्लास को आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया था ना, तो समझो इस बात का कि PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा, क्लोरो कंपाउंड जो होगा, वो Cl जिस जगह पर OH होता है उस जगह पर आकर के अपोजिट साइड में जाता है, जबकि यहीं पे आना चाहिए था इसको, इसीलिए कुछ इन्वर्टर का उपयोग किया गया है, प्रतिलोमक स्पेसिफाइड है कि PCl5 ऐसा ही करता है, त्रिविमीय रूप से अपनी जगह से की तुलना में दूसरी, हाँ त्रिविमीय विस्थापन हो सकता है, स्थान चेंज होगा, लेकिन परमाणु का स्थिति कार्बन है तो कार्बन पर ही है, कहीं इधर उधर नहीं गया, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं त्रिविमीय व्यवस्था, यानी कि 3D जो अरेंजमेंट है वो चेंज हुआ है प्रकाशीय रूप से, किरैलिटी में, है ना। अब चलते क्या बात करते हैं कि अब यदि इसकी अभिक्रिया KOH से कराता हूं, ये भी प्रतिलोमक है, KOH से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या करेगा KOH, आप बताओ, KOH में से K की अभिक्रिया Cl के साथ तो आसानी से हो सकता है, तो ये K क्या करेगा, इस Cl को ले लेगा,
माइनस KCl, और जहां पर Cl है उस जगह पे अपना OH जोड़ दिया। बाकी संरचना CH2COOH है और ये बन गया है CH3। यस, देख रहे हैं OH अपोजिट साइड, इस साइड में दिखाई दे रहा है ना, ये R है तो ये S होगा, तो ये S फॉर्म आपको नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि KO से रिएक्शन करने पर Cl को हटाया और OH जुड़ गया। ये भी प्रतिलोमक है, ये भी प्रतिलोमक है, मतलब जिस जगह पर आना चाहिए उसको उस जगह पे नहीं आएगा, ये वो दूसरी जगह पे आएगा। आपको ये त्रिविम व्यवस्था में जगह चेंज कर लेगा, ये यहां पर आ जाएगा OH और इस जगह पर हो जाएगा H। Cl की रिएक्शन यहां पर हुआ, KOH की रिएक्शन यहां पर हुआ, KCl निकल गया, OH यहां पर जुड़ना चाहिए, जबकि यहां पर OH जुड़ेगा, H इधर जुड़ देगा। ये है प्रतिलोमक, इसको याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं यही अभिक्रिया में नम मॉइस्ट Ag2O से कराता हूं, मॉइस्ट Ag2O को मान सकते हो आप AgOH ले लो, AgOH मान, AgOH से कराता हूं, ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, तो इनसे कराता हूं तो क्या होगा, Ag जो है ये Cl को लेकर निकल गया, AgCl बनके और OH यहां पे जुड़ेगा CH2COOH CH3 यहां पे जुड़ेगा। तो क्या हुआ, OH जो है इस जगह पे जुड़ेगा, इसी जगह पे जुड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिलोमक नहीं है, इसलिए जहां पे है Cl उसी जगह पर OH जुड़ेगा। Ag ने Cl ले गया और अपना OH डाल दिया। यहां पर K ने Cl ले लिया, लेकिन अपना यहां देखो K ने क्या ले लिया, Cl ले लिया, तो KCl बन के निकल गया और अपना OH यहीं पर डालना चाहिए, जबकि वो दूसरी पोजिशन में डाल देता है, दूसरी व्यवस्था में डाल देता है। यही बात आपको ध्यान रखना है। इस तरह से ये क्या हुआ, S रूप है, तो अब क्या हो चुका है, ये इधर हो गया था ना, तो ये R फॉर्म में आ गया था। तो R से हमने S फॉर्म में क्लोरो कंपाउंड बनाया, फिर हमने KO से रिएक्शन करके फिर R फॉर्म में हमने कोई हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाया। S फॉर्म में है जिसको आपने, R फॉर्म का यौगिक कंपाउंड है जिसको S फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हमने S फॉर्म में हमें कंपाउंड प्राप्त हो गया। मतलब एक समावयवी को जो क्लॉकवाइज प्रकाश को घूर्णित करती है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए हम बना सकते हैं, यानी हम L समावयवी को डी समावयवी में या डी समावयवी को एल समावयवी में परिवर्तित कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपको यहां पर आर है उसको एस में परिवर्तित करना है, तो पहले PCl5 से रिएक्शन कराओगे, फिर AgOH से रिएक्शन कराओगे, तो ये प्राप्त हो जाए। अगर क्लोरो कंपाउंड है तो क्लोरो कंपाउंड को अगर KOH से रिएक्शन कराते हो तो फिर वो उल्टा मिल जाएगा, AgOH से कराओगे तो वो प्रतिलोमन नहीं करेगा, जिधर सील होगा उधर ही रहेगा। तो प्रतिलोमक क्या है ये हमें जानकारी में मिल गया, और कौन कौन से प्रतिलोमक जो होता है वो होता है, यानी कि हमारे पास दो प्रतिलोमक है, याद रखने वाली बात है, PCl5 और KOH। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। अब ज्यामिति समानता में हमने क्या पढ़ा था ये भी ध्यान रखते हैं। ज्यामिति समावयवी, छोटी छोटी बातें मैं लेके आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा, इससे क्या होता है कि रिवीजन भी होते जाता है। ज्यामिति समावयवी में हमने क्या क्या देखा है, ज्यामिति समावयवी में हमने देखा है, या समावयता में देखा है कि डबल सी डबल बॉन्ड सी, दोनों सी में देखो प्रत्येक सी में दो संयोजकताएं हैं, वो अलग अलग समूह से जुड़ा होगा और ये दोनों ही समान समूह से जुड़ा होगा, ए बी यानी कि ये जो दो समूह अलग अलग है वही यहां पर है, तो इस तरह की जो समावयता उत्पन्न होगा इसको दोनों रूपों को नाम दिया जाता है सिस ट्रांसफॉर्म,
सिस्ट्रांस रूप या सिस्ट्रस ज्यामिति। इसमें अगर समान दिशा में है तो ये क्या है, सिस फॉर्म है, और ये एक दूसरे ए जो है समान दिशा में ना होकर के अब ए जो विपरीत दिशा में आ गया है, एक दूसरे से घूम करके ये अपोजिट हो गया डबल बॉन्ड के एक साइड में, अब डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। एक तरह से देखा जाए तो 90 पर है, इस तरह देखा जाए 180 पर है, तो ट्रांसफॉर्म में है, सिस ट्रांसफॉर्म। अब दूसरी बात देखते हैं कि सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है, यहां पर डी है, सभी अलग अलग चीजों से जुड़ा हुआ है। चार संयोजकताएं हैं, इस कार्बन में दो, इस कार्बन में दो, सब मिलाकर चार, चारों अलग अलग हैं। तो इस टाइम पे हम सिस ट्रांस ज्यामिति समानता नहीं कहेंगे, जैसे इसको बोल सकते हैं सिस ट्रांस ज्यामिति, ज्यामिति समावयवी, यह है। अगर ऐसा है, अलग अलग है, तब इसे कहा जाएगा ई जेड ज्यामिति समावयवी। ई जेड ज्यामिति समावयवी, अब देखो ई जेड ज्यामिति समावयवी, किसे कहेंगे? हमने आपको बताया कि दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से दो संयोजकताएं हैं जो अलग अलग है, लेकिन इनसे भी अलग भी इनकी दोनों संयोजकताएं हैं, तब इसे हम कहेंगे ज्यामिति समावयवी में ई जेड रूप। इसमें अनुक्रम नियम के अनुसार हम नंबरिंग करेंगे, जैसे कि अनुक्रम नियम आपको पढ़ाया था, सीक्वेंस रूल पढ़ाया था इससे पहले वाली क्लास में, उनके अनुसार हमें नंबरिंग करेंगे, इधर का नंबरिंग अलग करेंगे, इधर का नंबरिंग अलग करेंगे। चलो देखेंगे थोड़ी देर में। एक और होता है हमारे पास तीसरे टाइप का, वो होता है सी जो है डबल बॉन्ड एन ओ एच से जुड़ा होता है, एच और ये आर कार्बन की श्रृंखला ऐसे जुड़ा हुआ है, तब इस स्थिति में हम इनको कैसे नामकरण करेंगे? इस टाइप का होगा तो इसको कहा जाएगा सिन एंटी ज्यामिति समावयवी। सिन एंटी ज्यामिति समावयवी, ये कंपाउंड कहलाता है एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम, तो सबसे पहले ई जेड ज्यामिति समावयवी को पढ़ते हैं। ई जेड ज्यामिति समावयवी, एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। सी डबल बॉन्ड सी यहां पर जुड़ा है एच, इस जगह पर जुड़ा है सी एच थ्री, इस जगह पर जुड़ा है C2H5, इस जगह पर जुड़ा है मान लेते हैं OH, कुछ भी ले लो यार आपकी मर्जी, अलग अलग होना चाहिए बस। एक रूप ये होगा, दूसरा रूप होगा C डबल बॉन्ड C ऐसे CH3H C, अब ये घूम गया समझो, यहां से हमने घुमा दिया, एक को घुमाएंगे दोनों घुमाएंगे तो फिर वही का वही बन जाएगा, मैंने इधर वाला को घुमा दिया ना, अब यहां पर है C2H5 OH। इसमें H और C2H5 एक सीध में है, CH3OH एक सीध में, इसमें C2H5 जो CH3 की सीध में और ये इसके सीध में, यानी एक साइड में, एक साइड में ये दोनों, एक साइड में ये दोनों, तो इसमें ये उल्टा हो गया कि C2H5 के साइड में अब CH3 आ गया उस वाले, यानी सीमित घूर्णन हुआ है ना, ऐसे हुआ या फिर ऐसे हो गया, बस और कुछ कहानी। पर इसमें क्या है कि ये दो अलग समूह इधर है, ये दो अलग समूह इधर है, यानी कि कहीं पर भी दोनों समूह समान नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें अनुक्रम नियम के अनुसार अगर आपने नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, किसको क्या नंबर देंगे बताइए। तो
तब CH3 और H में CH3 बड़ा समूह है तो नंबर वन और ये टू हो गया। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बड़ा परमाणु होते हैं तो इसको पहला नंबर, इसको दूसरा नंबर दे दिया। अब यहां पर वन टू, यहां पर वन टू। बेटा याद रखना EZ को, थोड़ा सा याद रखना E को, एक तरह से आप ट्रांस रूप ही समझो और Z को सिस फॉर्म समझो। मतलब ट्रांस मतलब होता है विपक्ष और सिस मतलब होता है समपक्ष। अब आप बता सकते हो कि ये कौन सा फॉर्म होगा। हम इसको सिस एंड सिस ट्रांस नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों कार्बन के ये जो समूह है सेम नहीं है यहां पर, यानी इधर से इधर सही, मतलब दोनों तरफ दिशाओं में बराबर एक जैसे चीज हो, ऐसा नहीं है। सो यहां पर ये अलग है, अलग है, अलग है, अलग है, सब कुछ चारों के चारों से, चारों संयोजकता अलग अलग परमाणु या समूह से जुड़ा हुआ है। इस स्थिति में हम इस जगह पर इनको EZ वाले ज्यामिति समावयवी के फॉर्म में रखते हैं। अब बताओ, अब मैं इसको कौन सा नाम दूं। डबल बॉन्ड के एक साइड में दो दो नंबर है, वो एक ही साइड आ रहा है और एक 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 ही साइड में आ रहा है, मतलब ये समपक्षी रूप दिखाई दे रही है, समान नंबर, समान नंबर। इसको उच्च वरीयता निम्न वरीयता शब्द दिया जाता है। तो यहां पर क्या हुआ, उच्च वरीयता में कौन आया, CH3, निम्न वरीयता में दो नंबर दे दिया गया। इन दोनों में ये उच्च वरीयता, निम्न वरीयता, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं। तो सीधा सा जवाब दूंगा, ऐसे शब्दों का उपयोग ना करते हुए हम सीधे सीधे एक दो नंबर में ही हम काम चला रहे हैं। तो चलिए फिलहाल दो दो सम दिशा में, एक एक सम दिशा में, समान दिशा में है। तो समान दिशा में होगा तब Z शब्द का उपयोग करेंगे, ये Z फॉर्म है, Z रूप में, सम पक्ष। यहां पर सिस ट्रांस का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको बता चुका हूं ना, दोनों कार्बन की दो संयोजकताएं जो है जिन जिन चीजों से जुड़ा हो सेम चीजों से इधर भी जुड़ा होगा। तब यहां पर वन वन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैसा हुआ, ये विपक्ष हुआ। तो विपक्ष को हम कहते हैं ई, तो ये ई फॉर्म में है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देने की आपको जरूरत पड़ेगी, बात समझ में आ जाता है। तो एग्जाम्पल हमने देखा पहला एग्जाम्पल, सेकंड सी डबल बॉन्ड सी CH3 CH2 CH3 एंड H2 CH। इस जगह पे नंबरिंग करके देखिए क्या होगा, इन दोनों में बड़ा समूह एक दो, बड़ा ये एक दो, ये कौन से फॉर्म में आएगा, सम पक्ष में है तो ये Z फॉर्म है। इसका ज्यामिति समावयवी क्या होगा, CH3 CH2 CH3 ClNH2, ये घूम गया, ये वन टू वन टू विपक्ष हो गया, टू टू अपोजिट डायरेक्शन में, वन वन अपोजिट डायरेक्शन में, तो Z जब होता है तो ये ई फॉर्म हो जाता है। बस यही एक तरीका याद रखें। अब चले आगे, इधर ध्यान दें, और भी एग्जांपल दे सकते हैं पर आप समझ सकते हो कि इस तरह का कुछ आएगा तो आप समझ लेंगे ई कौन सा है, जेड कौन सा है, आप प्रैक्टिस के थ्रू ये कर सकते हैं। अब बता रहा हूं मैं सिन एंटी, ज्यामिति समावयवी या समावयवता। चलिए सिन एंटी का उपयोग किया जाता है एल्डोक्सिन में।
एल्डोक्सिम होता है आर सी एच डबल बॉन्ड एन ओ एच, तो सी डबल बॉन्ड एच आर एन ओ एच ये होगा, क्योंकि इस जगह पर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है इसके ऑर्बिटल के साथ, तो इस तरह से हम इसकी संरचना होगी। तो हम इसको हमने ऐसे रखा है, तो आप चाहें तो इसको लिखे ना लिखे तुम्हारी मर्जी, ऐसा हो सकता है। ये रोटेट होगा तो क्या मिलेगा आपको, सी एच आर डबल बॉन्ड एन, इधर था ओ एच, अब ये ओ एच इधर आया। इसका सीधा सा रूल है कि एच ओ एच समान दिशा में होगा सिन फॉर्म कब होगा, जब एच तथा ओ एच समान दिशा में हो। बस मतलब एंटी कब होगा, जब विपरीत दिशा में। देखो एच और ओ एच समान दिशा में है तो ये सिन फॉर्म है, और ये एंटी फॉर्म है। बस इतनी बातों को समझना है। तो सिन कब होगा, एंटी कब होगा, सिंपल सा जवाब होगा। तो ज्यामिति समावयवियों का ये इतना पार्ट हमको जानना है। तो आपने अगर 11 से कंपेयर करेंगे तो काफी चीजों को हमने देखा, काफी चीजों को समझा यहां पे, जो समावयवता संबंधित है, त्रिविम समावयवता या फिर ज्यामिति समावयवता, यानी ये कह सकते हैं कि संरचनात्मक समावयवता और त्रिविम समावयवता में हमने बहुत बड़ा रेंज तय किए हैं। तो काफी प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं आगे। बेटा साबरे, सभी बच्चों को पता है विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN से दर्शाएंगे। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, किसी परमाणु के द्वारा अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की क्षमता, उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। हम आवर्त सारणी में बात करते हैं तब ये जानते हैं कि अगर आवर्त में इस तरफ जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा, और किसी भी वर्ग में नीचे जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता कम होगा। अगर आप जानते हो कि भाई इस चीज को तो जानते हो, क्या हैलोजन समूह, हैलोजन समूह में आप क्या जानते हो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर होता है, एक समूह हो गया। तब इसका EN क्या होगा, EN मतलब विद्युत ऋणात्मकता, ऊपर वाले का ज्यादा है नीचे वाले का कम है, तो विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की कम है और आयोडीन की और कम है। अगर मैं यहां पर कहूं कि दूसरे आवर्त में, दूसरे आवर्त के तत्वों की EN की बात करूं, तो कौन आता है दूसरे आवर्त में, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सॉरी बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ रही है। इससे क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता से क्या होगा, अगर कोई दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, मान लेते हैं H और Cl,
Cl और F, तब क्या होगा? ये सहसंयोजी बंध है और सहसंयोजी बंधों में यह होता है कि दोनों परमाणुओं के मध्य का इलेक्ट्रॉन दोनों के द्वारा साझेदारी में होता है और दोनों के लिए होता है। सो दोनों परमाणुओं के मध्य में होना चाहिए। तो अब इलेक्ट्रॉन में एक चीज तो होता है भाई, निगेटिव चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य है तो ये माना जाएगा कि किसी भी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना किसी परमाणु ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। इस आधार पर उसका इलेक्ट्रॉन खुद के पास है, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन उसके पास है। तो किसी दिशा में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हुआ है, सो किसी पर माइनस या किसी पर प्लस चार्ज नहीं आएगा। लेकिन दोनों के मध्य है तो ऐसा हुआ। लेकिन चूंकि यहां पर आप जानते हो कि H की तुलना में Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इसकी शिफ्टिंग को दर्शाने के लिए हम थोड़ा सा एक लाइन पर बीच में एरो साइन लगा देते हैं, यानी कि तीर का उसका सिरा होता है ना, उसे हम लगा देते हैं। ये सिद्ध करता है कि कुछ इस तरफ शिफ्ट हो गया। अब आप सबको ध्रुवण पता है, मैंने ध्रुवण पढ़ा दिए, तो ये इससे क्या होगा, अणु थोड़ी सी ध्रुवी हो जाते, आंशिक रूप से ऋणात्मक और आंशिक रूप से धनात्मक हो जाता है। यहां पर भी आपको पता है क्लोरीन की तुलना में क्लोरीन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो इस जगह इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ शिफ्ट हो गया, तो आंशिक ऋणात्मक आंशिक रूप से धनात्मक। यानी जब किसी अणु में ध्रुवण पैदा कब होगा, जब उस सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए किसी अणु में एक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा और एक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो बंध वाले इलेक्ट्रॉन किसी अधिक विद्युत परमाणु की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे उस जगह पर ध्रुवण पैदा हो जाता है, यानी कि द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम ध्रुवण कहते हैं। यह हमने पढ़ा। ये चीजें हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत मायने रखता है, इस बात को ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस किस तरह से होता है? एक तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण रूप से विस्थापन होता है, एक आंशिक रूप से। आंशिक रूप से विस्थापन होगा तो अणु द्विध्रुवी हो जाएगा, आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ा भी रहेगा और अणु जो है द्विध्रुवी हो जाएगा, यानी डायपोल में आ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से स्थानांतरित होता है तो क्या क्या स्थितियां आ सकती हैं, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लेना होगा आपको। क्योंकि होता यह है कि हम समझ तो जा रहे हैं या फिर नहीं समझ रहे, दोनों स्थितियां होती हैं। फिर जब समय निकल जाता है तब ये चीजें जब आती है हमारे पास समझने के लिए, तो तकलीफ शुरू हो जाता है। मान के चलिए अब यहां से विद्युत ऋणात्मकता से जो शुरुआत हमने किया है, उसके बाद ध्रुवण की बात किया है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन विस्थापन की जो बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें और इलेक्ट्रॉन विस्थापन के प्रभावों की बात करेंगे, ये सारी चीजें यौगिकों के गुणों, रासायनिक क्रियाओं और क्रिया विधियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा और उनको समझाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। कारण बताओ में भी और हम बहुत सारी चीजों को समझेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में अब जा रहे हो। इस जगह पर बता दूं कि अधिकांश बच्चों की सहनशीलता एकदम खत्म हो जाता है। ये आपकी बात नहीं है, हमने भी ये चीज देखा है। हमें 11th में समझाने की कोशिश किया गया था टीचरों के द्वारा, शायद हमने ना समझा हो या शिक्षकों ने समझा नहीं पाए होंगे, ये हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं, बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा एक एक चीजों को। आप कोशिश करना आज की क्लास, यहां से जो भी पढ़ाया जाएगा, इसको दोबारा या तिबारा या चौबारा हो सके तो अच्छे से प्रैक्टिस करना। क्योंकि जब तक आप बार बार नहीं करोगे इस काम को, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जब पहले से होशियार हो तो अलग बात है, पहले से जानते हो तो भी अलग बात है, लेकिन जानना और पढ़ना पड़ेगा। अब जितने भी क्लासेस होंगी उनको 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा बड़ी शांति से बातों को समझाऊं और आप अपने धीरज नहीं छोड़ेंगे। होता यह है कि थोड़ा सा नहीं समझ में आया, इसके पीछे के कारण को आप बिना जाने बस ये बोलते हो कि आपको समझाने नहीं आया। ये बात अगर आप बोलते हो या सोचते हो तो आप खुद के साथ, अपने खुद के साथ धोखा कर रहे हो आप। ये ध्यान रखना। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए मेरी बात, बस चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन विस्थापन मैं आपको दो दो तरह से समझाऊंगा,
एक ही बात को। देखिए, पहला मान लेते हैं दो परमाणु आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि ए और बी का इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन, ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन दोनों साझे में है। या इसका मतलब हुआ कि ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन ये दोनों साझे में है, बी का इलेक्ट्रॉन और ए का इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। अगर दोनों ए और बी दोनों की ई एन बराबर है, ए और बी दोनों की ई एन बराबर है, तब तो ये इलेक्ट्रॉन मध्य में रहेगा। लेकिन अगर ए की विद्युत ऋणात्मकता की तुलना में बी की ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा बी की तरफ और ये आंशिक रूप से निगेटिव और ये आंशिक रूप से पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं यहां पर बोल रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो ए और बी आपस में जुड़ा हुआ है सहसंयोजी बंध से, यदि ये बंध वाला इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे बी की तरफ चला जाए, यदि दोनों इलेक्ट्रॉन बी को चला जाए, यानी कि ए के पास अब जो खुद का इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया बी की तरफ, बी का इलेक्ट्रॉन तो बी के पास है लेकिन ए का इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ चला गया तो ए में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ए प्लस, और बी में इलेक्ट्रॉन आ चुका है बी माइनस। और चूंकि इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो इस इलेक्ट्रॉन को दर्शाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ए प्लस आयन और बी माइनस आयन प्राप्त हो गया। कार्बन पर ये चार्ज होता तो कार्बोकैटायन कहलाता, कार्बन पर प्लस चार्ज होता तो कार्बोकैटायन कहलाएगा, कार्बन पर माइनस चार्ज होगा तो कार्बन एनायन कहलाएगा, जो मैं आगे जाके बताऊंगा। आप हड़बड़ाइए मत, कुछ भी मैं हर बार बोलता हूं कि जो चीज बताऊंगा मतलब बताता हूं तो वो बात समझ में आ जाती है, उस जगह पे हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। चलिए सब आगे बात करते हैं। तो ये बात अगर वहां से समझ में आया हो तो यहां पे भी समझा देता हूं। देखो क्या बोला था, ये इस तरफ चले जाने का मतलब क्या हुआ, ए का इलेक्ट्रॉन चला गया प्लस चार्ज और दूसरा है बी पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस चार्ज। इस जगह पे भी यही कह सकते हैं कि भाई ए खाली हो गया लेकिन बी पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस चार्ज। असल में तो ये सब लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिख दिया, तो यही चीज है। दूसरी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो इसका मतलब है यहां का दो इलेक्ट्रॉन, यहां का दो इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी कर रहा है, ए दो इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर रहा है, बी भी दो इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर रहा है। हम कहते हैं कि ये एक बंध इस तरफ शिफ्ट हो गया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ यानी कि बंध टूटा, अलग अलग हो गए, तो ये ए और बी का एक बंध बचा रहेगा, एक बंध टूटने पर यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया, ये माइनस प्लस और ये माइनस हो गया। यहां पर आंशिक रूप से नहीं पूर्ण रूप से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पूर्ण रूप से गया है ना, आंशिक रूप से थोड़ी गया है। अब तीसरी बातें, ए और बी यहां तो क्लियर है ना, दोनों बंद नहीं गया भाई, एक ही बॉन्ड का टूटना हुआ ऐसा दिखाया जाता है, इसका मतलब दो बंद नहीं टूटना, एक ही बंद के टूटने को दर्शाता है। अब मैं कह रहा हूं कि इसके बंद वाला इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है बंधन में, तो एक इलेक्ट्रॉन बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया और ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास चला आया, तो इस जगह पर हुआ क्या है, ए के पास अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया। खुद के इलेक्ट्रॉन होने पर ना वो निगेटिव होगा ना पॉजिटिव, क्योंकि ए का भी इलेक्ट्रॉन अगर मैं इसको डाल दूं तो ये एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो जाएगा। अब उसका इलेक्ट्रॉन खुद के पास है, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास है। अब मैं आपको बताता हूं, चूंकि यहां पर ये बंध जो है केवल एक ही दिशा में टूटा और आयन बना, तो इसको विषमांग विखंडन कहते हैं। बंध विखंडन दो प्रकार का बोला जाता है, एक है समांश विखंडन और एक होता है विषमांश विखंडन। समांश क्योंकि देखो समान प्रकार समान रूप से वो बंध वाला इलेक्ट्रॉन बराबर बट गया,
समांश विखंडन बराबर बढ़ गया, यहां पर केवल एक ही दिशा में चला गया, समांश विखंडन कहा जाता है, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन कहा जाता है। इस जगह पर क्या हुआ, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन, और ये क्या हुआ, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। यानी समांश बंध विखंडन और विसमांश बंध विखंडन, इसके बारे में स्पेशल और कोई क्लास लूंगा। जो समांश हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, हेट्रोलाइटिक मतलब विसमांश, ये कौन सा है, समांश, विखंडन मतलब टूटना। विसमांश बंध विखंडन उमिल होता है तो आयन बनते हैं, ये धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन को क्या कहते हैं, केटायन, और इसको कहते हैं ऋणायन को एनायन। लेकिन इससे जो बना हुआ है, ए पर डॉट लगा, बी पर डॉट लगा, इसको कहा जाता है मुक्त मूलक। ये भी और ये भी दोनों के दोनों क्या है, मुक्त मूलक कहलाता है, फ्री रेडिकल कहलाता है। अब ये क्या चीज है, मुक्त, ये घनायन ऋणायन। अब ये क्या चीज है, ये डाइपोल है, इसको किसी भी हाल में हम, चूंकि एक अणु है, एक तब धन है एक तब ऋण है, तो हम इसको बिल्कुल भी क्या नहीं कहेंगे, कोई आयन भी नहीं, धनायन या ऋणायन नहीं कह सकते, और ना मुक्त मूलक कहेंगे। चलिए साहब, हमने दो प्रकार से देखा है बॉन्ड का फ्यूजन, ए और ये देखो एक है, और ये तीसरे नंबर का, ये बॉन्ड फ्यूजन का दो टाइप, इसको हम आगे जाकर के डिटेल में और लेने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन के विस्थापन में हमने ये भी देखा कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इस तरह से शिफ्ट होता है। ये और एक चीज हो सकता है, देखते जाइए क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल है, ए सिंगल बॉन्ड बी, ए पर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और वो इलेक्ट्रॉन युग्म शिफ्ट हो सकता है, तो क्या स्थितियां आ सकती है, जरा देखिए। ये बंद इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पर चला गया, यानी कि डबल बॉन्ड बनाने चला गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए का ये इलेक्ट्रॉन युग्म बी के साथ जुड़ा हुआ है ये। चलिए अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया बी के पास, ए का इलेक्ट्रॉन कम हो गया प्लस, बी का इलेक्ट्रॉन एक आया तो माइनस, अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलकर के सहसंयोजी बंध बनाता है। मतलब यहां पर हो गया ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड बन गया है, और ए पॉजिटिव हो गया है और बी निगेटिव हो गया है। ये समझाने के लिए यूज किया था ना, ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से और भी क्या स्थितियां आ सकती है, जरा देखते हैं। पांचवा, ए पर एक युग्म है परंतु माइनस चार्ज है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सेम बात है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म में चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, तो क्या हुआ, ए बी एक इलेक्ट्रॉन युग्म से एक इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, ए के पास है ही, तो बी में जाने पर माइनस चार्ज आएगा, और ए पर माइनस चार्ज पहले से एक प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब हुआ कि माइनस और प्लस कट गया, यानी कि ये उदासीन हो गया और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया। तो दो परमाणुओं के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन युग्म आता है तो डबल बॉन्ड बनेगा। डबल बॉन्ड बनते समय ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रॉन विस्थापित हुआ बी की तरफ, बी पर चार्ज बढ़ जाएगा, माइनस चार्ज बढ़ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और ए पर प्लस चार्ज आ जाएगा। वही काम यहां पर भी हुआ, ए पर इलेक्ट्रॉन युग्म था, डबल बॉन्ड बनाया, मतलब हुआ कि इसका युग्म में से एक इलेक्ट्रॉन बी के पास चला गया, बी पर गया तो माइनस चार्ज आया और ए पर एक प्लस चार्ज बढ़ गया। पहले माइनस चार्ज था, इसीलिए ये माइनस चार्ज जो है प्लस के साथ न्यूट्रल हो गया और जीरो हो गया।
अब और भी देखो कई स्थितियां नजर आती देखने को। ए इलेक्ट्रॉन युग्म है माइनस चार्ज के साथ और यहां पर एक चार्ज लगा हुआ है प्लस। मैं कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पर जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? आप समझो, ए बी के बीच में बंधन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आया यही वाला, और ए के पास भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये न्यूट्रल हो गया, और ये बी वाला जो प्लस है वो भी प्लस के पास माइनस आया तो ये जीरो हो गया, और माइनस के पास जो माइनस चार्ज है, ए के पास जो माइनस चार्ज है वो कम हो गया, वह प्लस हो गया, तो ये भी न्यूट्रल हो गया, और इस तरह से एक डबल बॉन्ड बन गया। ये भी देखने को मिल सकता है आपको। इन सारी चीजों को याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, दो तीन प्रैक्टिस और कर लिए उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। चलिए साहब, हम बात कर रहे थे इस जगह पर, और बात करें, कभी आप ऐसा भी देखोगे कि डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी है, कभी आप ऐसा भी देखोगे कि ये बंध जो है इस जगह पर शिफ्ट हो रहा है। देखो भाई, तीर का निशान जहां गया वहीं पे लगाइएगा अपनी कॉपी में, इधर उधर मत लगाइएगा, उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। डबल बॉन्ड सी में चला गया, डबल बॉन्ड जो ए बी के बीच में वो इन दोनों के बीच में चला गया, इसका क्या मतलब हुआ जरा समझें। ए इसका मतलब है, देखिए कि ए का इलेक्ट्रॉन सी में चला गया, ए का इलेक्ट्रॉन सी में चला गया, तो ए से इलेक्ट्रॉन सी में चला गया तो ए पर प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन की कमी होने से, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से ये माइनस चार्ज आया। अब बी पर एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा है जो इनके साथ बॉन्ड बना लेगा, सो यहां पर हुआ है ए प्लस सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड फिर सी पर माइनस चार्ज। ऐसा भी हो सकता है, देख लें, ये सारी चीजों को लिख लिख के करेंगे तब होगा ना, मेरे साथ जो बच्चा लिखता होगा वही समझ रहा होगा, बहुत ही स्लो मोशन में बता रहा हूं इन बातों को ताकि आपके दिमाग में वो चीज जा सके। चलें साहब, आठवां, ऐसा भी तो हो सकता है ए इलेक्ट्रॉन युग्म है, सिंगल बॉन्ड है, बी है डबल बॉन्ड है, सी है, ये स्थितियां भी आती हैं। इस जगह पर हम सोचें कि ये वाला बंध यहां पर शिफ्ट हुआ, इसका मतलब क्या है? हमने बहुत पहले ही इसको बता दिया था, यहां पर ए से बी के बीच तो क्या हुआ, ए पर इलेक्ट्रॉन युग्म है, सिंगल बॉन्ड है, बी और सी के बीच में क्या हुआ जरा समझेंगे। ऐसा हुआ है, सी पर इलेक्ट्रॉन युग्म आया माइनस चार्ज हुआ और बी पर प्लस चार्ज आया। ये काम जब हो रहा है तो एक बात तो और है कि साथ ही साथ चूंकि इस जगह पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म है तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस जगह पर शिफ्ट हो गया, तब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला गया तो ये माइनस हो गया, अब ये प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन चला गया इस पे यहां पर, तो ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। तो हमने क्या देखा कि एक यहां पर हुआ क्या है, ए इलेक्ट्रॉन युग्म, बी डबल बॉन्ड, सी। अब ये हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर चला गया तो ये इस जगह पर चला गया, इस तरह से हुआ ए डबल बॉन्ड, बी सिंगल बॉन्ड, सी और ये माइनस चार्ज, और ये हो गया प्लस चार्ज। तो इस तरह से हमने यहां पर विस्थापन देखा है, कई तरह से संभावनाएं पॉसिबल है, ए डबल बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड। मैं कुछ ऐसा करता हूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड
डी। ये इस जगह पर शिफ्ट हुआ तो ये जगह पर पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये इनको चला गया, तो ये उदासीन हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो क्या हुआ जरा देखिए, तो ए प्लस सिंगल बॉन्ड, बी डबल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, डी इलेक्ट्रॉन युग्म माइनस। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर इसमें कैसे हो गया, ये सब मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, बात समझेंगे हम यहां पे कि इस जगह पर हुआ क्या है। इस जगह पर हुआ ये है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस जगह पे चला गया तो ये निगेटिव हो गया और इलेक्ट्रॉन युग्म बन गया। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो सी वाला प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया। यहां ए का इलेक्ट्रॉन चला गया सी में तो ये माइनस हो गया और ए हो गया प्लस। बी पर कुछ नहीं हुआ, बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास है तो वो इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो इनके साथ बॉन्ड बना लिया। इस तरह से ये तो हो गया उदासीन। अब इस जगह पर माइनस और इस जगह प्लस चार्ज आ गया, करके देखो एक बार, आप भी बना लोगे। बेटा इन्हीं चीजों को समझ करके ही तो बच्चा सेलेक्ट होता है नीट में। अब अपने आप को किस लेवल पे ले जा रहे हो वो डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हो वो डिपेंड करता है। तो ऐसी चीजों पे थोड़ी प्रैक्टिस आपकी जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम देखें विद्युत प्रभाव या इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव। ये इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव क्या है, बस इसको थोड़ा सा नोट कर लो इसका प्रकार, फिर मैं आपको समझाता हूं इनको। इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव, प्रेणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव जिसको मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं, अति संयुग्मन कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का मतलब क्या होता है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन किस कारण से विस्थापित होती है श्रृंखला में। कार्बन में, कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किन प्रभावों के कारण होता है, इन प्रभावों को हम इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा तो अणु पे द्विध्रुव उत्पन्न होगा और इस तरह से उसकी क्रियाशीलता को हम निर्धारित कर पाएंगे, कौन उसके हम बहुत सारे गुणों को हम निर्धारित कर पाएंगे। आपको एक बात बताना चाहूंगा अब फिर से, जो आप सोच नहीं रहे हो, मैं बार बार इस लेक्चर में बोल रहा हूं कि जिन बच्चों ने इन चीजों को नहीं समझा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा, समझ पाएगा। बहुत सारी बातें हैं जो ये सारी चीजें सिखाते हुए आगे बढ़ता है। आज की क्लास से काफी चीजों को हम बेहतर तरह से पढ़ें और समझें, कोशिश करना। यहां से विद्युत प्रभाव कहा जाएगा, इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव कहा जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव, ये दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक प्रभाव है स्थायी प्रभाव और दूसरा प्रभाव है अस्थायी प्रभाव। स्थायी प्रभाव का मतलब होता है अणु में हमेशा होता है यह प्रभाव अणु में हमेशा होता है या रहता है। इसका मतलब है किसी आक्रमणकारी अभिकर्मक की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में अगर कोई प्रभाव हो तो उसे कहा जाता है आक्रमण
अहंकारी, मतलब जो अभिकर्मक अटैक करता है, अटैकिंग रिएजेंट कहा जाता है, यानी जिसकी उपस्थिति में कोई रिएक्शन पॉसिबल हो, तो हम यहां पर बात करते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में। आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में जो प्रभाव होता है उसे कहा जाता है अस्थायी प्रभाव, क्योंकि वो अभिकर्मक हटा दिया जाए, आक्रमणकारी अभिकर्मक को हटा दिया जाए तो वो प्रभाव निरस्त हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन अगर हो रहा है तो किसी अभिकर्मक है तब हो रहा है, और उस अभिकर्मक को हटा दिया गया विस्थापन प्रभाव हट जाएगा, उसमें ध्रुवण हट जाएगा। तो ये बातें हुई, और ये कितने कौन कौन से प्रकार का होता है, ये प्रभाव होता है जो स्थायी रूप से होने वाला प्रभाव है वो है प्रेरणिक प्रभाव, दूसरा मेसोमेरिक प्रभाव, तो प्रेरणिक प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है, अति संयुग्मन ये भी एक स्थायी प्रभाव है, प्रेरणिक प्रभाव मेसोमेरिक प्रभाव और अति संयुग्मन ये होता है स्थायी प्रभाव। लेकिन यहां पर दो प्रभाव और देखेंगे जो अस्थायी प्रभाव है, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में होता है, जो है कहलाता है इंडक्टोमेरिक प्रभाव और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन विस्थापन का प्रभाव दो प्रकार का हुआ, एक्चुअली टोटल देखा जाए तो पांच प्रकार का होता है। याद रखिएगा प्रेरणिक प्रभाव, अनुनाद प्रभाव, अनुनाद नहीं भाई, अनुनाद एक अलग बात है और अनुनाद प्रभाव अलग बात है, अनुनाद को मैं अलग से पढ़ाऊंगा। अनुनाद प्रभाव को कहा जाता है मेसोमेरिक प्रभाव, या मेसोमेरिक प्रभाव को कहा जाता है अनुनाद प्रभाव, ये ध्यान रखिएगा। फिर है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और अति संयुग्मन, इसमें स्थायी प्रभाव है ये दोनों। यहां पर एक नाम नहीं लिखा गया है, वो है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। याद रखें इन प्रभावों को हमें एक एक करके समझते हुए चलना है आगे। तो इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का मतलब हुआ कि किसी कार्बनिक यौगिक मेरिक इफेक्ट। याद रखें इन प्रभावों को हमें एक एक करके समझते हुए चलना है आगे। तो इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव का मतलब हुआ कि किसी कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन जिन प्रभावों के कारण होता है उनको इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव कहते हैं। हम सबसे पहला प्रभाव पढ़ेंगे, जैसे कि स्थायी प्रभाव और अस्थायी प्रभाव का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब क्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में कोई प्रभाव हो तो उसे हम कहते हैं स्थायी प्रभाव, और अनुपस्थिति में हो, आक्रमणकारी अभिकर्मक की आवश्यकता ही ना हो तो वो कहलाता है स्थायी प्रभाव, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में हो तो अस्थायी प्रभाव। स्थायी प्रभाव तीन प्रकार का, प्रेरणिक प्रभाव जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इसका नाम है, इंडक्टिव इफेक्ट, मैं आगे जाकर के बताऊंगा। मेसोमेरिक प्रभाव अति संयुग्मन, इंडक्टोमेरिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इन सारे प्रभावों को एक एक करके समझते हैं। आज हम समझेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव। ये प्रेरणिक प्रभाव क्या है, इस बात को समझने के लिए एक दो संरचनाओं को आप ध्यान से देखिएगा। ये परमाणुओं की श्रृंखला है, जरूरी नहीं कि सिर्फ कार्बन परमाणु की श्रृंखला हो, कोई दूसरे परमाणु की श्रृंखला भी हो सकती है। मान लेते हैं इस कार्बन परमाणु की श्रृंखला में कोई एक्स जुड़ा हुआ है। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वाई जुड़ा हुआ है।
एक तरफ एक में किसी में x जुड़ा हुआ है, किसी जगह किसी में y जुड़ा हुआ है। अब x और y को डिफाइन कर रहा हूं कि x क्या है y क्या है, इसको समझेंगे। x जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है और दूसरा है ये y इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। प्रेरणिक प्रभाव को इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। या आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट, समझेंगे। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह x है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह y है। अब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह मतलब विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला समूह है। मान लेते हैं इस जगह पर ऐसा कुछ हुआ कि x कार्बन की तुलना में अधिक ऋणात्मक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। इससे क्या हुआ, इस x पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज और y पर आंशिक रूप से धन चार्ज आ जाएगा, यानी एक तरह से यहां पर ध्रुवण हुआ। x का प्रभाव c पर पहले कार्बन पर पड़ा, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, यहां पर एक ध्रुवण हुआ है। x का प्रभाव इस पर पड़ेगा, क्या इस पर भी पड़ेगा? कुछ ऐसे सोचो कि कुछ लोगों ने मानव श्रृंखला बना लिया, 8-10 लोग जुड़े हुए हैं, मैं भी एक सिरे में जुड़ गया और एक तरह से मैं इसको झटका देता हूं अपने तरफ खींच देगा, तो बताओ पहले आदमी जिसको मैं झटका दे रहा हूं उस पर यह प्रभाव ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हल्का सा वो हिल जाएगा, लेकिन इसी प्रभाव का मेरा ही प्रभाव है जो इस पर पड़ा, मेरा ही प्रभाव है, क्या उसके मेरे एक आदमी के बाद दूसरा आदमी आता है उस पर प्रभाव पड़ेगा? यस, उस पर भी पड़ेगा, लेकिन उसका प्रभाव थोड़ा हल्का पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरे पर पड़ेगा, हो सकता है बहुत कम पड़े या फिर ना भी पड़े। तो होता क्या है कि मैंने कितने जोरों से झटका लगाया इस बात पर डिपेंड करता है। यस, तो यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है कि एक्स जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस कार्बन पर इसका प्रभाव अधिकतम पड़ा, लेकिन इस कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर इसका प्रभाव थोड़ा कम पड़ेगा। थोड़ा कम पड़ेगा मतलब आंशिक आंशिक प्लस, जितना ज्यादा डेल लगाओगे, डेल्टा का साइन लगाओगे, उतना ही वो वैल्यू कम माना जाएगा। यानी धन इसका प्रभाव इस पर पड़ा, यानी कि बराबर माइनस और प्लस हुआ, इस जगह पर थोड़ा कम होगा और उसके पीछे बहुत ही कम पड़ेगा। और हो सकता है कि और भी कार्बन चौथे कार्बन पर आते आते, तीसरे या चौथे कार्बन तक आते आते इतना कम हो जाए कि वो क्षीण पड़ जाए, दुर्बल हो जाए, जिसको नगण्य मान सकते हैं। इस तरह से ये प्रभाव श्रृंखला पर पड़ने लगती है, इस प्रभाव को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव। फिर बताता हूं एक बात और, इस तरह से प्रभाव पड़ा, इस पे जाइए, y इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है तो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेज रहा है, दूर भेजेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि प्लस चार्ज आएगा आंशिक रूप से, इसमें आंशिक रूप से माइनस चार्ज आएगा। ऐसे लिखना बेटा ना, डी ही है ये, डी ही है इस तरह से। तो आप जानते हो परिवर्तन को दर्शाने के लिए, इसका प्रभाव इस पर पड़ा, इस पर और कम पड़ेगा, माइनस कम है उससे की तुलना में, इस पे बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम इसी बात को कह रहे हैं कि यह एक स्थायी प्रभाव है। जैसे कि हमने पहले बताया था कार्बन श्रृंखला में यहां पर सहसंयोजी बंधों का ध्रुवी गुण है, मतलब कहीं पर ध्रुवण हुआ और उस ध्रुवण का प्रभाव अगले स्तर में वो ट्रांसमिट होती गई, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का प्रभाव भी इसमें ट्रांसमिट होती गई और इसमें भी इसी तरह से इस तरफ भेजने का जो है वो भी स्थानांतरित होने लगा, संतरित होने, यानी संचरित होने लगा, ये कह सकते हैं। तो देखिएगा, कार्बन की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन आकर्षी या मुक्त करने वाले अगर समूह जुड़े हों, उपस्थित हों, जिसके कारण श्रृंखला में सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन
होता है तो उस विस्थापन को हम प्रेरणी प्रभाव कहते हैं। बेटा मैं हर बार ये बोलूंगा कि आपके पास अगर इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ लिखने की बन रही है, परिभाषा बन रही, तो आपके लिए अच्छी बात है, इसलिए हम इसमें थोड़ी कोशिश करके आपके लिए लाते हैं। फिलहाल आप देखिएगा क्या समझ में आया, मैंने क्या कहा, आप जरा समझेंगे। किसी परमाणु की श्रृंखला, परमाणुओं की श्रृंखला में कहीं पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी या विकर्षी समूह जुड़ा होगा तो उसका प्रभाव परमाणुओं की श्रृंखला पर पड़ता है, जो कि क्रमशः कम होते जाता है। इस प्रभाव को हम कहते हैं प्रेरणिक प्रभाव, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित किया तो इससे ज्यादा कम हो गया, इससे थोड़ा कम हो गया, इससे थोड़ा कम हो गया, जिसकी वजह से ये निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान हुआ, इसमें थोड़ी कम दान हुआ तो पॉजिटिव बहुत कम, इसमें पॉजिटिव बहुत कम। इस तरह से यह प्रभाव प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, इससे बहुत सारे गुणों में प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे आगे जाके। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित किया तो भी इलेक्ट्रॉन विकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, प्रतिकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, तो इसके कारण भी यह प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव कहलाएगा प्रेरणिक प्रभाव। अब यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन आकर्षित हुआ, निगेटिव हुआ, तो इस समूह को कहा जाएगा माइनस आई समूह कहा जाता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह होता है उसको माइनस आई समूह कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है उसे प्लस आई समूह कहते हैं। इस प्रकार से प्रेरणिक प्रभाव समूह दो प्रकार के होंगे, माइनस आई समूह, प्लस आई समूह। प्रेरणिक प्रभाव को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लें, यह एक स्थायी प्रभाव है। इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणविक कक्षकों को कभी नहीं छोड़ता, मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु का है उसी परमाणु में रहेगा, लेकिन थोड़ी शिफ्ट हो जाता है। फिर बात करते हैं, यह सिग्मा बंधों द्वारा संचरित होता है, कहीं पर भी आप देख रहे हो कहीं पर डबल बॉन्ड पर संचरित नहीं हुआ है, सिर्फ सिग्मा सिंगल बॉन्डों सिंगल बंधों पर, यानी सिग्मा बंधों पर ही संचरित हुआ है। इलेक्ट्रॉनों का ध्रुवीकरण सदैव एकल दिशा में होता है, देखो आप यहां पर देख रहे हो कि एक ही दिशा में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हुआ, यहां पर इस दिशा में हुआ तो यहां पर भी, यहां पर भी, ऐसा नहीं कि इसमें आगे हुआ तो इधर पीछे हुआ, ऐसा विस्थापन नहीं हुआ है। संतृप्त यौगिकों में देखा जाता है, ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में नहीं मिलेगा, ओनली सिंगल बंध वाले यौगिकों में मिलेगा। इसका परिणाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी या विकर्षी समूह जुड़ने के कारण होता है, दूसरी दूरी बढ़ने के साथ ये घटती जाती है। ये प्रभाव कौन सा प्रभाव, इसका परिणाम दूरी बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव या प्रतिकर्षी प्रभाव। जैसे जैसे उस घटना जहां पे ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित हुआ या प्रतिकर्षित हुआ, यानी माइनस आई समूह जुड़ा हुआ या प्लस आई समूह जुड़ा है, उससे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा ये प्रभाव कम होते जाएगा। इसका बहुत डीप जानकारी हम अगले क्लास में लेने वाले हैं, इसलिए इनको पढ़ के आना जरूर बेटा जी, क्योंकि इसका सेकेंड पार्ट जो पूरी गहराई है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, और जो बातें आज पढ़ाई जा रही उन चीजों को आप पढ़ के जरूर आइए। प्रेरण प्रभाव दो प्रकार का होगा, एक होगा माइनस आई समूह, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे माइनस आई समूह कहते हैं, और इसकी प्रबलता एच के तुलना में इसमें ज्यादा होगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच में ज्यादा होगा, सी सिक्स एच फाइव में थोड़ा कम होगा, इसमें सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी में थोड़ा कम होगा, अच्छा सॉरी बढ़ते जाएगा, इसकी तरह बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो मैंने जो यहां पर लिखा है एच की तुलना में सी टू एच सी सिक्स एच फाइव, उसके बाद एन एच टू ओ आर, फिर हेलोजन वाला पार्ट ओ एच, हेलोजन वाला भाग आई से ज्यादा बी आर, बी आर से ज्यादा सी एल, सी एल से ज्यादा एफ, क्योंकि जितनी ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी उतनी ज्यादा माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा सी ओ एन एच टू में ज्यादा। अब इसको याद करके आना है, सबको नहीं तो कम से कम जो मैंने यहां पर ब्लू कलर में दिया है, वायलेट कलर में दिया है, उसको याद करके आना कि इस क्रम को याद रखे आना, मतलब क्या क्या याद रखोगे, एच सी सिक्स एच फाइव, फिर उसके बाद एन एच टू ओ आर ओ एच आई बी आर सी एल एफ और एमाइड, एमाइड के बाद एसिड सी ओ एस ओ थ्री एच सी एन एनओ टू, एनओ टू में बहुत ज्यादा होता है। मूल रूप से एग्जाम में क्वेश्चन जो है इन्हीं के बीच का आता है, ध्यान रखिएगा, मतलब हैलोजन समूह है, सबसे कम किसका है, एच में न धन आई प्रभाव होता है ना माइनस आई प्रभाव होता है, सी सिक्स एच फाइव में माइनस आई प्रभाव होता है एच की तुलना में ज्यादा,
आगे जाते जाओगे तो माइनस आई प्रभाव बढ़ते जाएगा, ये ध्यान रखिए। प्लस आई प्रभाव एच की तुलना में ज्यादा होगा सी एच थ्री में, इससे ज्यादा होगा सी टू एच फाइव में, इससे ज्यादा होगा सी एच थ्री ट्वाइस में, इससे ज्यादा होगा सी एच थ्री थ्राइस में। ये प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव यानी कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करता है, इलेक्ट्रॉन विस्थापित करता है, प्रतिकर्षी समूह कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग, इसका उपयोग क्या है हमारे केमिस्ट्री में, इनको जरा समझा। पहली बात है कार्बोक्सिलिक अम्ल की सामर्थ्य यानी कि अम्ली सामर्थ्य की व्याख्या करने में, दूसरा एमिनो की क्षारीयता को की व्याख्या करने में, और तीसरा है अल्कोहल की अम्लता को व्यक्त करने में। आपको हल्की फुल्की जानकारी दे दूं कि माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्ली प्रबलता बढ़ेगा, और प्लस आई प्रभाव घटेगा, व्युत्क्रमण पथ से मतलब घटेगा तो इसकी प्रभाव बढ़ेगा। क्षारीय गुण में क्या होता है कि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा, और माइनस आई प्रभाव बढ़ेगा तो क्षारीयता बढ़ेगा। अल्कोहल की अम्ली प्रबलता के बारे में हम स्पेशली हम जानकारी लेंगे अगली क्लास में, तो इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ना है हमको अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे प्रश्न क्विज, चलो अपने अपने तरफ से जवाब देने की कोशिश करिएगा। पहला प्रश्न आपके पास है कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ली प्रबलता बढ़ता है, मैंने अभी कुछ बताया था किस कारण से, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने से, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव से, या उपरोक्त दोनों से, कोई नहीं। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा यहां पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्ली प्रबलता बढ़ती है किस प्रभाव से बढ़ती है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव से, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव से, उपरोक्त दोनों से, या कोई से नहीं। क्या याद है आपको, अभी बताया जो गया तो आप जानिए ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव से। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह क्या कहलाता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, या दोनों नहीं, कोई नहीं। चलिए इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला समूह, आकर्षित इलेक्ट्रॉन करेगा तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव समूह यानी ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव समूह कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव सब से किसी पदार्थ की क्रियाशीलता बढ़ती है, घटती, अपरिवर्तित रहती है, या केवल अम्लीता या क्षारीयता पर प्रभाव डालती है, कोई पता नहीं। इन सबको बहुत डिटेल करने वाले हैं और जाकर के तो अगली क्लास में ही हो पाएगा, आप समझे इन बातों को, लेकिन अभी आप जवाब दे सकते हैं। क्रियाशीलता बढ़ती है प्रेरणिक प्रभाव आने से। हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं प्रेरणिक प्रभाव का अनुप्रयोग, लेक्चर नंबर 12। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी